नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। जिले में भीषण सड़क दुर्घटना काठी थाना क्षेत्र के NH-28 पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की टक्कर में 12 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। समानालय सभागार में होली को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाने को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई जरूरी निर्देश। और जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन औषधि केंद्र का जायजा लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। काठी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक NH-28 पर अहले सुबह स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर कई घंटों तक चीख पुकार मची रही। जिले में रफ्तार के कहर ने 12 लोगों की जिंदगी ले ली। शनिवार को अहले सुबह काठी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक स्थित NH-28 पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हुई, जिसमें स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को SKMC में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि सड़कें लाशों से पट गई, लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 4:30 का समय था, लोग नींद में थे, किसी को कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले कई घर उजड़ गए। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार, DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद और कई एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भेजकर सड़क खाली करवाने में जुट गए। DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि सभी मृतक उत्तर प्रदेश में मजदूरी करते थे। संभवतः ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण वे लोग स्कॉर्पियो भाड़े पर लेकर अपने गांव होली मनाने जा रहे थे। आज देखिए, अहले सुबह एक घटना, बड़ी बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जो कि कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरसंडा, जहां पर खड़े हैं, यह नरसंडा का एरिया है। यहां पर मुख्य मार्ग में ही, जो मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में ही, पीछे से एक स्कॉर्पियो ने एक ट्रैक्टर में धक्का मारा है, जिस कारण से टोटल अभी तक का 11 कैजुअल्टी की सूचना आ गई है। हम लोगों ने सभी डेड बॉडी को SKMC को भेज दिया है। बाकी कुछ लोग इलाज के लिए वहां पर इलाजरत हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग, बेहतर इलाज के लिए जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे। कुछ वहां से भी कैजुअल्टी होने की सूचना आई है। सभी मृतक औराय प्रखंड के हथौड़ी और कुछ मीनापुर प्रखंड के अभी तक आए हैं जानकारी में। चूंकि सभी का शिनाख्त अभी नहीं हो चुका है, हम लोग जो कर सकते हैं उसे करेंगे। फिलहाल यातायात व्यवस्था जो बाधित थी, चूंकि इसको हटाने के क्रम में, तो ये सुचारू कर दी गई है। बाकी ठीक है। देखिए, ट्रैक्टर में एक ड्राइवर था और स्कॉर्पियो, चूंकि मुझे जो लग रहा है प्रथम दृष्टिया देखने से कि ये बाहर से काम करके आ रहा था। ये स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, तो निश्चित तौर पर इसमें स्कॉर्पियो में सवार ज़्यादा लोग थे। और डेफिनेटली, चूंकि कुछ लोग अभी इलाजरत हैं वहाँ पर, तो संख्या काफ़ी ज़्यादा था उसमें स्कॉर्पियो में, और वही स्कॉर्पियो से ही हुई है। ज़्यादा रहने कारण से कहीं ना कहीं गाड़ी जरूर इम्बैलेंस हुई होगी। और सुबह की घटना घटी थी, उसकी तो कोई लोग बचे नहीं जो बचा सकते हैं। अभी कुछ लोग नरसंडा के समीप भयंकर टक्कर हुई है, जिसमें अब तक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो चालक समेत 12 लोगों की मौत होने की सूचना है। हम लोग यहाँ पे भी SKMC आए हुए हैं। सभी लाशों का पोस्टमार्टम होगा और उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। सरकार की ओर से जो सामूहिक दुर्घटना में सहायता है वो दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत भी हम लोग उन लोगों को मदद करेंगे। शोक संतप्त परिवार की ओर से प्रशासन संवेदना व्यक्त करती है, परंतु ये घटना काफी दुखद है और हम लोग जो भी हो सकता प्रशासन की ओर से कर सकें उनको मदद करें। सभी लोगों की पहचान हो चुकी है? पहचान सभी लोगों की हो चुकी है। 10 जो हमारे डीजीवर और एक 9 डीजीवर के और एक हमारे मीनापुर चैनपुर के लोग रहने वाले हैं। बाकी एक स्कॉर्पियो ड्राइवर और एक ट्रैक्टर ड्राइवर की पहचान की जा रही है। पहचान होते ही हम सबों के परिजनों को जो भी सहायता है वो देंगे। सर, उस इलाके में बार बार सड़क हादसे होती है, भीषण हादसे होती है। देखिए, एक बात तय है कि रैश ड्राइविंग और लेन थे, मतलब लेन से बाहर जाकर के ड्राइविंग तो लोग कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लोग अपनी आदतों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं और एक दर्दनाक घटना के रूप में ही परिणत होता है। हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें और एक स्पीड जो लिमिट है उसमें चलें और लेन ड्राइविंग करें। निश्चित रूप से कोई भी दुर्घटना नहीं है।
स्थानीय शिवनाथ पासवान ने बताया कि टक्कर की आवाज के बाद हम लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई थी। लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अरे साम बाबू रखे बटा डाल लिया और ने डाल लिया पंचायत के डीसी पर गांव है। मेरा डीसी पर पंचायत भी है और डीसी पर गांव है। उसी गांव के लोग उत्तर प्रदेश में मजदूरी का काम करते हैं। वो लोग अपने घर से होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश से अपने घर आ रहे थे गाड़ी भाड़ा करके आ रहे थे। उसी गाड़ी में सब लोग सवार थे और उस स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई ट्रैक्टर से, ईंट लदे ट्रैक्टर से, जिसमें सारे के सारे लोगों की मौत हो गई। उसमें लगभग 15 लोग थे। 15 लोग में 11 का डेड बॉडी अभी हम लोग देख के आए हैं। कि पोस्टमार्टम हाउस में आ चुका है। 4 या 5 का प्राइवेट में इलाज चल रहा है इमरजेंसी में। बहुत संभावना है, इतना सीरियस है कि उसमें से भी मैक्सिमम लगता है कि नहीं बच पाएगा। आप देखिए, कोई पहचान वगैरह हुई है? हाँ, पहचान हुई है। सबके घर वाले लोग भी आए हैं, सबको ले जा करके पहचान करवाए हैं। प्रशासन के जो पुलिस वाले लोग हैं उनको नाम सबका लिखवा रहे हैं। सीओ साहब से, जो हमारे यहाँ के सीओ साहब हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और वो सब नाम लिखवा रहे हैं सारा का जब प्रूफ के साथ। हम लोग चाहेंगे कि अब जो घटना हुआ सो हुआ, अब जो सरकारी मुआवजा है सरकारी मुआवजा सब लोगों को मिलना चाहिए। काटी सड़क हादसे के बाद जिले की राजनीति पार्टियों के नेता घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये इस तरह का जो डीजी पर पंचायत के डी गांव में जो घटना हुआ है और एक ही परिवार के दो परिवार हैं जिसमें दो दो लड़का का मृत्यु हो गया, सबसे पहले हम अपनी तरफ से उस पर जितने भी 11-12 लोग की मृत्यु हुई है हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनको आत्मा की शांति दे और साथ में जो परिवार है उनको सहन करने की शक्ति दे। और जहां तक मदद का सवाल है तो आपदा विभाग से जो 4-4 लाख रुपया का चेक होता है उनके परिवार के आश्रित को अभी मिलेगा। बहुत ही असहज दर्दनीय घटना है जो सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक ही पंचायत एक ही गांव के निवासी हैं। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभी हमारे क्षेत्र के निवासी बाहर से कमा के लौट रहे थे। आने के क्रम में मुझे जो पता चला है कि लोग एक्सीडेंट हो गए हैं काटी में, और मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से अपने समाज की तरफ से तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भगवान आत्मा की शांति दे। और मैं कुछ कहने के लिए कोई शब्द रह नहीं जाता है, मैं क्या बताऊँ। जो इतनी बड़ी घटना जिसका परिवार उजर गया, गांव का गांव उजर गया, ये ऐसा परिस्थिति किसी के साथ ना आए, यही हमारी। सर, अभी तक कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक हम लोगों की जानकारी जो मिली है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 इसमें और घवाइल हैं। कुछ लोग को पटना भेजा गया, कुछ लोग का यहाँ इलाज चल रहा है। सड़क हादसा लगातार होती है, सरकार में है आप, उस तरह की ऐसा कोई पहल क्यों नहीं की जाती कि ऐसी घटनाएं न घटे? एक अलग विषय है, सड़क हादसा सड़क है, लोग चलते हैं तो दोनों की मजबूरी है। सड़क न रहे तो भी परेशानी है और लोग न चले तो भी परेशानी है। और गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मैकेनिकल चीज़ है, मैकेनिकल पार्ट्स होता है, कभी किसी को कुछ गड़बड़ी होने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी जो ड्राइवर होता है उसका आँख भी लग जाता है। इस पर बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा और निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, सरकार चिंता करती है। सरकार 4 लेन पर एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर है, 1 वे रोड है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि किसके कारण से एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट तो आए दिन नए ड्राइवर होते हैं, नई गाड़ियाँ होती हैं, नए लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो समझने में टाइम। और जिसका भगवान के द्वारा जिसका समय पूर जाता है, भगवान प्रभु जिसको बुलाना चाहते हैं जिस माध्यम से बुला लेते हैं। जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन औषधि केंद्र से फायदा पहुंचे लाभुकों का हाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम दामों पर मिल सके,
इसलिए जन औषधि स्टोर खोले गए थे। शनिवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कन्हौली स्थित 52 बीघा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद अजय जायसवाल, सांसद अजय निषाद, नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और जन औषधि केंद्र संचालक दिव्यांग डॉक्टर पंकज झा एवं जन औषधि केंद्र से अपनी बीमारियों से दवा लेकर ठीक हुए जुहद राम से बात भी की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तरांचल, उसके बाद बनारस, फिर कोयम्बटूर और कश्मीर के लोगों से, जन औषधि केंद्र संचालक और लाभुकों से बात करने के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इतनी वर्षा के बाद भी इतने लोग आए, इसके लिए उन्होंने शहरवासियों को धन्यवाद भी दिया। नित्यानंद राय ने बताया कि जल्द ही और जगहों पर भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आप आज इस जन औषधि दिवस के अवसर पर पूरे देश भर के ऐसे लोगों से जिनका जीवन प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकानों से दवा लेकर सस्ती दवा लाखों लाखों लाख गरीब ने अपना जीवन बचाया है, आज पूरे देश के और इस बिहार के लाखों लाख गरीब उनको दुआ दे रहे हैं। आप अभी उनके संबोधन में, संवाद में देखे होंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल जो दवा 5,000 में मिलती थी वह 1,000 के आसपास में मिल रही है और पूरे देश में लगभग 6,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है और उससे लाखों लाखों लोग दवा ले रहे हैं। जेनेरिक दवाओं का उपयोग आज कितना बढ़ा है उसको मद्द नजर रखते हुए भारत के सस्ती प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को सस्ती दवा मिले, अच्छी दवा मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली दवा मिले, सुगमता से मिले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना को लाकर गरीबों के स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखे हैं। शहर में रात्रि को यात्रियों से लूटपाट की घटना को रोकने के लिए रेल पुलिस और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से निशुल्क यात्री बस सेवा की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर पुलिस और रेल पुलिस का अनोखा पहल, होली पर्व के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन से 2 यात्री बस सेवा शुरू की गई जो कि पूर्णतः निशुल्क है। SSP जयंत कांत और रेल SSP अशोक कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता सोनू शर्मा ने मुजफ्फरपुर SSP और रेल SSP से खास बातचीत की। होली पर्व के मद्देनजर रेल पुलिस और जिला पुलिस के संयुक्त में आज यात्री बस सेवा का शुरुआत हो रहा है। रेल SSP और मुजफ्फरपुर SSP दोनों मिलकर हरी झंडी दिखे, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है सर, क्या है इसका उद्देश्य, क्या होली के अवसर पर जो राहगीर हैं और यात्री हैं उनके साथ जो छिनतई हो जाती है, कोई गलत तरीके से जहर पुरानी हो जाती है रात्रि के समय में स्पेशली, उसी के तत्वाधान में बस का ये बस चलाई गई है पुलिस की ओर से और रेल पुलिस की ओर से, रेल SSP साहब की ओर से इस बस को चलाया गया है और इसको हम कोशिश यही करेंगे कि इसी तरीके से जो रात्रि के समय में जो यात्री हैं उनको टाउन के एरिया में और टाउन से बाहर के एरिया में जो है सुरक्षित तौर पे पहुंच सके। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उसका भी फोटो जो है पुलिस खींचेगी और उनके फोटो का भी डेटाबेस बनाएगी जिससे कि किसी भी यात्री के साथ कोई गलत तरीके का अनसीन इवेंट नहीं होने पाए। कितने पुलिस फोर्स की तैनाती की है ये आपको? तो रेल SSP से बातचीत करते हैं, क्या सर क्या उद्देश्य है? चूंकि होली के समय बाहर से आने वाले पैसेंजर्स की संख्या काफी बढ़ जाती है, हजारों में पैसेंजर्स यहाँ उतरते हैं और रात्रि में कई इम्पोर्टेंट ट्रेन आती है जिसमें यात्रियों का यहाँ उतरना होता है और रात्रि में उनको सुविधा देने के लिए और सुरक्षित सुविधा देने के लिए तो बस का परिचालन किया जा रहा है।
जिला पुलिस और रेल पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में परिचालन किया जा रहा है, जो होली के अवसर पर लगातार चलेगा। 10-15 दिन तक हम लोग इसको चलाएंगे और पैसेंजर्स को शहर के विभिन्न जगहों तक हम लोग सुरक्षित पहुंचाएंगे। और उसके साथ यहां से जो भी टेम्पू और टैक्सी वगैरह निकलती है रात में पदाधिकारी के द्वारा, उसे फोटो हम लोग लेंगे, सारा रिकॉर्ड्स लेंगे और तब उसके बाद पैसेंजर्स का मोबाइल नंबर भी लेंगे और उसके बाद उनको जर्नी के लिए भेजेंगे। और कंप्लीट ये पैसेंजर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे पैसेंजर्स किसी पर्टिकुलर ट्रेन के आए और ज़्यादा पैसेंजर्स कहीं हैं तो उनको उतारते हुए फिर कहीं दूसरे जगह पे ही, एक बस में तो काफ़ी लोग आएंगे जो एक रूट को फॉलो करेगी और सभी पैसेंजर्स को अपने अपने गंतव्य तक वो पहुंचाते हुए चली जाएगी। आम लोगों से क्या अपील है? आम लोगों से अपील है, यहाँ उतरने वाले यात्रियों से अपील है कि इस सुविधा का लाभ लें और सुरक्षित रात में यात्रा करें और टेम्पू वगैरह से यात्रा करें तो यहाँ पे उपस्थित जो हमारा फोर्स है उससे कांटेक्ट करें और कंप्लीट डाटाबेस लेने के बाद ही यहाँ से अपने अपने घर को प्रस्थान। तो ये थे रेल SP जो कि बता रहे थे यात्रियों सुविधा को लेकर आज से यहाँ से बस रवाना की गई है। शनिवार रात से SSP व रेल SSP के द्वारा जंक्शन से निशुल्क पुलिस बस सेवा का शुभ आरंभ किया गया। यह बस सेवा जंक्शन पर देर रात रेल से उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। रात 11 बजे से अहले सुबह 4 बजे तक जंक्शन पर उतरने वाले यात्री को इस बस से शहरी थाना क्षेत्र के 64 वर्ग किलोमीटर इलाके में पहुंचाया जाएगा। रेल एसपी ने बताया कि बस मुजफ्फरपुर जंक्शन से ब्रह्मपुरा, बैरिया, 0 माइल झपहा, बखरी मोड़ होते हुए पुनः 0 माइल सिकंदरपुर OP बंद होकर जेल रोड मोड़ आदि शहरी इलाके में भ्रमण कर पुनः जंक्शन पर वापस पहुंचेगी। SP ने बताया कि यात्री मिलने पर कच्ची पक्की पताही, मिठनपुरा, बेला, शेरपुर इलाके में भी बस जाएगी। यात्रियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस जंक्शन से रात करीब 12 बजे खुली जिसमें 13 यात्री सवार हो अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। यही बस बार बार जंक्शन पहुंच हर रात कई राउंड लगाएगी। तो यही वो बस है जो कि जिला पुलिस और रेल पुलिस के संयुक्त पहल पर यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। यह बस का टाइमिंग रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इसमें 3 जवान हथियार से लैस होंगे जो कि यात्रियों की सुरक्षा का व्यवस्था का ख्याल रखेंगे। मुजफ्फरपुर जंक्शन से उतरने वाले यात्री के साथ अक्सर सुनसान जगह पे लूटपाट होती है जिसको देखते हुए रेल पुलिस और जिला पुलिस की संयुक्त रूप से पहल से ये आज हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया गया ताकि यात्री सुरक्षित निशुल्क अपने घर तक पहुंच सके। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभागार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगलगी की घटना के रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से समाहरणालय में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर अपर समाहर्ता आपदा अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में अगलगी की रोकथाम हेतु विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। इसमें जिला अंतर्गत जितने भी स्टेक होल्डर्स ऑफिसर्स थे उसमें सिविल सर्जन, PhD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी और अन्य जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ने भाग लिया, जिनको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है इसके बारे में अवगत कराया गया और सब लोगों की तैयारी के संबंध में जायजा भी लिया गया कि आग अगर लगती है तो क्या करेंगे। मार्च से लेकर जून तक जो हमारी वेस्टर्ली विंड होती है उसकी प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाती है जिसमें अगलगी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, जागरूक रहना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोग कार्य योजना बना लिया है। पंचायत स्तर तक हम लोग इसके लिए व्यापक जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं अंचल अधिकारियों के माध्यम से कि कब खाना बना लेना है, खाना बनाकर अग्नि को कैसे बुझा देना है। जनरली लापरवाही से ही बड़ी अग्निकांड की होती है,
तो आम जन तक हम लोग इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें CDPO के माध्यम से और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भी। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर समारोह में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन, आशा कर्मचारी और ऑल इंडिया सांस्कृतिक संगठन ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन ने मुख्य रूप से स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम मजदूरी 21,000 प्रति माह लागू करने, स्कीम वर्कर्स को पेंशन की मांग की। समाहरणालय में आशा कर्मचारी यूनियन की नेत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश भर में मध्याह्न भोजन, आशा एवं आंगनवाड़ी सभी योजनाओं में अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं, जिन्हें सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल रहा है। 1500 मांगों को लेकर प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान हम लोग स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, विद्यालय, रसोईया के सवालों को आकर्षित करना चाहते हैं। प्रथम उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 21,000 रुपया दिया जाए, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश की सुविधा सब वेतन दिया जाए, 12 माह का वेतन दिया जाए, बिना कारण स्कीम वर्कर्स को हटाने पर रोक लगाई जाए। इस तीन सवालों को लेकर, 1500 मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी समस्याओं को जब तक ये सरकार नहीं सुनती है, इसके बाद राज्य स्तर पर हम लोग का संयुक्त संघर्ष समिति बना हुआ है। वो संघर्ष समिति के लोग बैठेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे और उसके बाद जन आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जिले में शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय में बैठक की गई, जिसमें SSP ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन द्वारा सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल में होली पर्व संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। होली में विधि व्यवस्था को लेकर पूरे जिले में 37 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं सूचना संग्रह एवं समन्वय स्थापित करने को लेकर 291 संवेदनशील स्थलों पर 291 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जिला नियंत्रण कक्ष को 9 मार्च के सुबह 6 बजे से 12 मार्च के रात्रि 10 बजे तक हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अंगियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू,
पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। आपके अपने शहर में आधुनिक मशीनों के साथ आ गया है न्यूबॉर्न एंड पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सेंटर। यह सेंटर आधुनिक संसाधनों से लैस है। यहाँ 24 घंटा नवजात शिशु का इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। इसके अलावे अत्याधुनिक नवजात वेंटिलेटर, सीपैप, रेडिएंट वार्मर, सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, कार्डियक मॉनिटर, एलईडी फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, एपनिया मॉनिटर, बेडसाइड एक्सरे, ब्लड गैस एनालाइजर आदि की व्यवस्था है। डॉक्टर तेज नारायण और डॉक्टर प्रिया सिंह द्वारा सभी पेशेंटों का बेहतर इलाज किया जाता है। और हमारा पता है एडवांस न्यूबॉर्न एंड पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सेंटर, राजेश नर्सिंग होम, थर्ड फ्लोर, जोरन छपरा रोड नंबर 2, सुधीर फार्मासिस्ट के सामने। आवर कॉन्टेक्ट नंबर 8130791010, 9304140353, 6201583080। बहुत कम जगह है, पटना में भी एक दो जगह ही है, नॉर्थ बिहार में अपने आप में पहला है। जैसे 5000 मशीन बोलते हैं, जो 6000 मशीन है वो पूरे नॉर्थ बिहार में कहीं नहीं, पटना में सिर्फ एक जगह है। तो वो बहुत अच्छी मशीन है, अभी दुनिया में उससे ऊपर कोई वेंटिलेटर मशीन बनी नहीं। वो मशीन हमारे यहाँ मौजूद है, और उसके साथ एक इनक्यूबेटर है जिसको हम यहाँ शीशा बोलते हैं। वो ऐसे बच्चे के लिए जो 1 किलो से कम जो बच्चे आए हैं, उससे उसके बच्चे को रख के, तो अभी पूरे दुनिया में मानने चले कि SLE 6000 और जो इनक्यूबेटर है, अभी सबसे बेहतरीन नवजात बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन मशीन है, और दोनों मशीन यहाँ उपलब्ध है हमारे यहाँ। देखिए, डिलीवरी के बाद जिन नवजात बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है या दूसरी कोई भी शिकायत होती है, तो ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे NICU की व्यवस्था उपलब्ध कराने से ऐसे बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क आता है, और ऐसे उनके बचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस NICU में ऐसी सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के वेंटिलेटर्स, SLE 6000, इनक्यूबेटर फैसिलिटी, जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं ऐसे बच्चों को इनक्यूबेटर में रखने की आवश्यकता होती है, ये सारे फैसिलिटीज इस NICU में उपलब्ध हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है जन्म के समय, उनको जितनी जल्दी हो सके NICU की व्यवस्था यदि उपलब्ध होती है, तो ऐसे बच्चों में बचने की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हां, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम,
और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जदयू जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इमलीचट्टी स्थित जिला जदयू कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में महानगर अध्यक्ष अमरीश कुमार सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरि ओम कुशवाहा, संगठन प्रभारी अशरफ अंसारी, कुंदन शांडिल्य, सुनील चौधरी, अवधेश कुशवाहा, मिथिलेश पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर से जमकर होली खेली। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सहनी ने मुजफ्फरपुर के तमाम वासियों को जदयू की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आज मुजफ्फरपुर की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के पूरे जिले के स्तर के और प्रदेश के हमारे जितने भी विधानसभा प्रभारी हैं और संगठन प्रभारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग उपस्थिति में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। लोक कलाकार मंच द्वारा लोक कला महोत्सव के दौरान होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बिहार लोक कलाकार मंच द्वारा पुरानी गुदरी रोड स्थित निजी विवाह भवन में लोक कला महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक कलाकार मंच के सदस्यों ने होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी ने दीप प्रज्वलन करके की। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बेहतर एक होली के गीतों की प्रस्तुति की। कला महोत्सव का आयोजन किया गया है बिहार लोक कलाकार मंच, ये कलाकारों का संगठन है। इसमें पुरानी कला जो है विलुप्त होती जा रही और लोक कला का महत्व कम हो गया, इसलिए हम लोग पुरानी कला को जिंदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि लोक कलाकारों को सम्मान मिले, कला का महत्व समझे। उसी प्रयास में हम लोग लोक कला महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बिहार लोक कलाकार मंच कलाकारों का संगठन और संगठन के माध्यम से हम लोग कला को जिंदा रखने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि जो पुरानी परंपरा थी, डोमकाज, झिझिया, ये आपको बता दें कठघोरवा का नाच,
ऐसा बहुत सारा कला है जो गांव की परंपरा को अब पश्चात सत्ता खत्म करते जा रही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः इस कला को समाज में स्थापित किया जाए, जिससे कि कला में बुराई आई है उसकी खात्मा हो और फिर पुरानी कला को जिंदा करके समाज में सभ्यता का लाया जा सके। नई बाजार स्थित लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल में गुड टच और बैड टच विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नई बाजार स्थित लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल में शनिवार को गुड टच एंड बैड टच विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी शामिल हुए। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि वह किस पर यकीन कर सकते हैं और किस पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे बच्चे अगर यह कहते हैं कि कोई हमें गलत तरीके से छू रहा है तो शायद हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, इससे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है। होली के अराउंड जो है काफी भोड़बन थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम लोग ने सोचा कि इस पर कैसे थोड़े अलग तरीके से इसको करें। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं गुड टच बैड टच पे एक वर्कशॉप किया जाए। गुड टच बैड टच का मतलब ये है कि बच्चे कुछ लोगों के छूने से बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे माँ छूती है तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी और के छूने से वो इतना कंफर्टेबल ना फील करे। तो इस चीज को माँ बाप कैसे सीखे कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं और बच्चे खुद कैसे कह पाए और इस चीज को कैसे टैकल किया जाए ताकि बच्चे हमारे सेफ रहे, इसलिए हमने इस वर्कशॉप का आयोजन लिटिल मिलेनियम में किया। एक प्रयास मंच के जिला कार्यालय में स्लम एरिया के बच्चों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी बहल खानर रोड स्थित कार्यालय में बच्चों के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले और होली की बधाई दी। मंच के संस्थापक ने बताया कि सभी लोग होली की तैयारी में लगे हुए हैं। मंच द्वारा स्लम बस्ती गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए के बीच पिचकारी और रंग का वितरण किया गया। द्वारा पुराने गुदरी बहलखान रोड प्रयास मंच कार्यालय में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि होली आ गई है, सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया, इसी को लेकर आज प्रयास मंच ने स्लम बस्ती के बच्चे गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच पिचकारी वितरण के साथ ही बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बिहार के लोक नृत्य झिझिया का भी कार्यक्रम किया गया। बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाकर बहुत खुश थे, सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बहुत खुश थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।